हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सर्किट हाउस में बैठक लेने के लिए पहुंचने से ठीक पहले हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश विफर पड़े। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया। सुमित हृदेश ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें शहर के विकास कार्यों की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन 12 बार बैठक आयोजित की गई जिसकी उनको जानकारी तक दी नहीं गई। आज नगर निगम की तरफ से उनके पास आवेदन आया था और वह बैठक में प्रतिभाग करने आए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। सुमित हृदेश ने कहा कि अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लिहाजा वह इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बैठक के बाहर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन सुमित हृदेश ने किसी की नहीं मानी। सुमित हृदेश ने कहा कि वह आगामी विधानसभा सत्र में विशेष अधिकार हनन का मामला उठाएंगे। बहिष्कार करना पड़ा आपको? देखिए, मैं पहले अंदर गया था। ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जो नोडल एजेंसी है, इसने 12 मीटिंग करी। 12 मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया। मेरे साथ शहर के सम्मानित दो तीन भाई कांग्रेस के भी तो लोग आएंगे, नहीं आएंगे? ये भाजपा का प्रदेश बन चुका है। वो आए वहाँ बैठे, वहाँ पे टोकम टाकी कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते, तो क्या फ़ायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है, तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। 100% बहिष्कार करूंगा मैं सारे कार्यक्रमों। नहीं बुलाया गया आपको? कोई बैठक में नहीं बुलाया गया। 12 बैठकें हुई हैं इनकी, 12 बैठकें। इनको शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को। पूछिए इनसे, विशेष अधिकार हनन का की मांग करूंगा मैं सदन में इस बार। ये सब राजनीति हो रही है, कोई इशारा नहीं है। राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। विकास सबके लिए है। मेयर साहब की इतनी, मेयर साहब में इतना दम नहीं है कि उनके इशारे पे सब लोग नाच लें, लेकिन ये बदतमीजी जो हो रही है, ये कतई सहन के बिल्कुल वो नहीं, सहन नहीं सकते हैं। और अवश्य विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में लाने की मैं राय लूंगा, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, करण मेहरा जी से, सबसे राय लूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। अधिकारी कर रहे हैं ये अधिकारी, अगर इनको गलत फहमी है, ये जुमलेबाजी करके यहाँ पे और यहाँ पे जो ये महामंडली जो घुमा रहे हैं और जिस प्रकार से जय जयकारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठे हैं सारे। इनको शर्म आनी चाहिए।